हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं अभी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, यानी कि नाइट सूट पहन के तैयार हो गई हूँ। पूजा पाठ मैंने कर लिया है और गोलू, लक्ष्य, अरमान और ये सूरज, ये सब चले गए हैं, उनका इंटरव्यू था। जैद हमारे पास है, जैद रौनक के कमरे में और चीना दोनों खेल रहे हैं सारे। मैंने उसको बोला है, मैं कहा बेड के ऊपर खेल रहा है तो थोड़ा खिलौने विलौने से उसको खिलाओ तो एकदम, नहीं तो अब हमें इतनी पहचानता नहीं है ना, इसको आदत है वहाँ पर बच्चों के साथ खेलता रहता है, यहाँ ऐसे बच्चे नज़र नहीं आ रहे। तो मैं चीना को यही कह रही हूँ, मैं कहा इसको खिला। तो राधा काम कर रही है, राधा को आज मैंने जल्दी ही बुला लिया था कि फटाफट काम ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। ये भी आज घर ही है, गए नहीं है, तो कहते हैं आज गोलू वगैरह घर है, जैद घर है, तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा, मैं जैद के साथ ही खेलूँगा। मैंने कहा चलो शाम को चले जाना। तो ये अपना शेव कर रहे हैं, तो बस मैं राधा से काम करवा रही हूँ, तो फटाफट काम करवा के दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। कैच में कैच कर दो दीदी को, कैच। अब यार ही खुल गया, उल ज़्यादा दे दे दे, बोल दे दे। जैदू की चली गई है मम्मी पापा, और जैदू रहेगा नानी के पास, भाई के पास, ठीक है? बॉलों से गाइस बहुत खुश हो रहा है, ये कलरफुल बॉले है ना, तो कल से बड़ा खुश है। और चीना भी यहाँ बैठी हुई है पूछी को लेके, पूछी करके मुझे गोदी में ले लो, चीना तो बैठी है, इसको खड़ा करते बैठे। रोना नहीं है, रोना बिल्कुल भी नहीं है, खेलो खेलो ये ले। अच्छा पता चल गया, मेरे को देख रहा है, खेल रहा है ना अब ठीक है। थोड़ा सा इसका दिल वो हो गया, नहीं तो इसको उसको मिस कर रहा है, तूबा को, अयान को। गोलू गोलू कहाँ है गोलू? देख रहा थे गोलू कहाँ है गोलू? गोलू नहीं है गोलू, अभी आ जाएगा मम्मा। ये देखो गाइस, ये जान के सारे खिलौने ना नीचे फेंकता है, ये देखो ये नीचे फेंकता है, फिर इसको रोनक को उठा के देता है, ये देखो। नो 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 नो, यही काम कर रहा है, ये तो समझ आ गई कि मुझे नीचे फेंकना है। पीछे क्या बोलो, इसका हाथ, इसका हाथ मत छोड़ो बिल्कुल, नहीं नहीं मैंने पकड़ा हुआ है। हाँ खेलने दे इसको अभी ना, मैं इसको थोड़ा इसको नहलाती धुलाती हूँ, मालिश कर देती हूँ, नहलाती हूँ। जैदू मासी क्यों रो रही है? जैदू ने माची को रुला दिया। हाँ माची रो रही है, हाँ जैदू मासी रो रही है, चुप करा दो, चुप कराओ, अपने खुद नोजी साफ कर रहा है। इसको भी जुखाम लगा हुआ है, ऐ जुखाम है, नोजी साफ नहीं करो, नहीं करनी, अच्छा अच्छा नहीं कर रही, नहीं कर रही मासी, नहीं कर रही। ये कौन मार रहा है? आज जैद ने अपने नाना की करा दी है छुट्टी, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ कि जैद ना उड़ जाए, डर लगता है ना कि पासा ना पलट ले। सो गया आराम से, रो रहा था कि सोने के लिए कि मुझे सुलाओ। आपकी छुट्टी करा दी इसने आज, कल भी छुट्टी थी आज भी छुट्टी है, अब जब तक ज्यादा आप छुट्टियां करके घर बैठो, इसके साथ खेलो मस्ती करो। बच्चा आ जाए घर में रौनक आ जाती है ना। गोलू आ गई है, लक्ष्य के साथ भी चीना लगी हुई है बड़ी। बच्चा देखो अब ऐसे लग रहा है गोलू लौट के वापसी आ गई है, गोलू के साथ भी सारे लगे रहते थे ऐसे, ज़ैद के साथ पूरा घर लगा हुआ है, बच्चे के साथ सब बच्चे बन जाते हैं। रात को बनेगा पालक पनीर, तो बच्चे सुबह नाश्ता मैंने बना के दे दिया था उन्हें, तो नाश्ता यहाँ खा के नहीं गए, तो गाड़ी में कहते हम खा लेंगे, हमें देर हो रही है, तो मैंने नाश्ता वगैरह सब गाड़ी में दे दिया था, चाय वगैरह तो नहीं दी, कहते चाय मम्मी हम रस्ते में पी लेंगे, मगर आप नाश्ता दे दो, नाश्ता दे दिया। अब बन रही है पालक और पनीर की सब्जी, तो पालक मैंने कुकर में उबलने के लिए रख दी है, और अभी बनाया है दोपहर को चावल, और जैदू के लिए बनी है खिचड़ी, जैदू के लिए तो ये पतली पतली सी खिचड़ी बना दी है, बहुत गर्म है, धुआं निकल रहा है। और हमने बनाए हैं चावल, क्योंकि दाल भी पड़ी थी, छोले भी पड़े थे, तो मैंने कहा चलो दाल छोले भी लग जाएंगे, और चावल के साथ तो खुली डुली चीज़ लग जाती है। तो बस जैदू उठ गया अब काफ़ी देर से, गोलू का भी 3-4 बार फ़ोन आ चुका है कि मम्मी जैदू क्या कर रहा है, मैं कहा वो
भाई अपना सो रहा है, तो अब उठ गया है, अब वो चीना के साथ खेल रहा है, तो मैं कहा चलो उसको खिचड़ी खिला देती हूँ पहले। दूध से तो पेट देखो बच्चे का नहीं भरता है, वो देख पानी ही है, तो पहले खिचड़ी खिला देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद दूध पिएगा तो दूध पिला दूँगी। अंदर भूख लगी होगी उसको, तो अंदर जाती हूँ उसके लिए खिचड़ी लेके। काकू तेको जादू अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है होता? बहुत अच्छा लगता है। और देख लो आज जादू के इतने सारे, जादू मेरे पापा के गाने पर बहुत डांस करता है। दे दे मासी को दे। जैद अपने नाना जी के साथ मस्ती कर रहा है, यहाँ पर चल रहा है टीवी अनुपमा, और यहाँ पर टीवी म्यूट हो रखा है, म्यूट कर दिया है इसने, और आराम से अपना बैठ के रिमोट से खेल रहा है। मुंह में मत डाले, देखो मुंह में मत डाले, वैसे खेल रहा है, वैसे कर रहा है, बटन दबा रहा है, बटन दबा रहा है, देखो खिलौने लेके आया, हैमले से लेके आया, एक तो वो लेके आया डॉगी, एक पियानो, दो लेके आया, खेल रहा था, बड़ा खुश हो रहा था, डॉगी चल रहा था, और हाँ पैक कर दिया क्योंकि पूछी कोको ना उस डॉग से खेल रही थी, कहती मेरे को दे दो, फिर मैंने इसको पैक, यही यही हेलो कर दो, हेलो, अच्छा फ्रैंकिश कर दो, फ्रैंकिश कर दो, हाँ हाँ, मैं रात से बोल रही थी इसको, ओए एक और बार कर दो, अच्छा एक बार फिर फ्रैंकिश कर दो, अच्छा लास्ट 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 फ्रैंकिश कर दो, अच्छा ऐसे मा कर दो, एक नोज भी आ रही है, हाँ जैद फ्रैंकिश कर दो, ऐसे कर दे मुंह पे मार दे, ऐसे फ्रैंकिश, जैद फ्रैंकिश कर दो, फ्रैंकिश फ्रैंकिश मा, ए शर्मा क्यों जाता है बीच बीच में, इधर देखो, ओए आजा आजा आएगा। दोपहर को जैद के लिए बनी थी खिचड़ी, बिल्कुल नमक वाली है, तो आपको पता ही है खिचड़ी तो जरा सी बच्चे खाते हैं, इतनी सारी बच गई थी, मैं ज़्यादा बना दी कि चल हो सकता है लक्ष्य खा ले, गोलू खा ले, किसी ने नहीं खाई, तो मैंने गाइस इसको टमाटर प्याज का तड़का लगा के हरा धनिया डाल के इसकी शक्ल ही चेंज कर दी है, ये देखो कितनी यम्मी सी बन गई है। अब मैं ये अब गोलू वगैरह हम सब मिल के खा लेंगे, और साथ साथ बना है ये पालक पनीर, ये थोड़ा है पालक पनीर गाइस, मैं सबको दे चुकी हूँ, वो सब बच्चे खा चुके हैं रोटी, तो यही बचा है, मेरे को ध्यान नहीं था आपको दिखाना, तो ये पालक पनीर भी बहुत टेस्टी बना है, साथ साथ मैंने बच्चे का दूध भी पानी भी उबाल के रख दिया है ताकि दूध वगैरह बनाना होता है, और ये सारी बॉटल्स भी उबाल के रखी है, तो सारा काम हो गया, बस सब रोटी खा चुके हैं, गोलू भी खा चुकी है, और संदीप भी लक्ष्य भी सब रोटी खा चुके हैं, सब ये रह गए हैं, तो बस इनके लिए मैंने पालक पनीर बचा के रखा है, तो ये रोटी खाएंगे और सुबह बनाएंगे भरता, और साथ में कोई दाल बन जाएगी, और कल जाएंगे हम अजमेर शरीफ, मैं भी जाऊँगी साथ, देखो वैसे आज रात को जाना था मगर कल से इतने थके हुए थे ये, तो आज रात को नहीं गए, तो आज रात को आराम करेंगे और कल जाएंगे अजमेर शरीफ, मैं भी अजमेर शरीफ पहली बार ही जा रही हूँ गाइस, तो मैंने कहा मुझे भी जाना है, मैं भी माथा टेकूंगी। आज टॉपर प्लेनेट वाले आए थे गाइस, जिनसे हमें कपड़े रिसीव होते हैं, तो वो आए थे गोलू से मिलने के लिए, जैस से मिलने के लिए, गोलू तो मिली नहीं है, क्यों, गोलू शूट पे गई हुई थी वहां पर, सॉरी कहाँ गई थी गोलू, इंटरव्यू पे गई थी, सॉरी शूट पे नहीं गई थी, इंटरव्यू पे गई थी, तो गोलू तो मिली नहीं, काफी देर बैठे रहे, तो वेट करते रहे कि गोलू आएगी गोलू आएगी, तो गोलू के लिए भी वो नाइट सूट लेके आए थे, पायल के लिए नाइट सूट लेके आए थे, तीनों बच्चों के लिए भी नाइट सूट लेके आए थे, और हल्दीराम का हैम्पर भी लाए थे कि मैं जैद से मिलने जा रही हूँ, वो जैद के लिए एक ड्रेस भी लेके आए थे, मतलब कि एक्स्ट्रा से, तो गोलू की वेट करते रहे तो गोलू नहीं मिली, तो रजौरी आ गई गोलू, तो फ़ोन करा गोलू को 3-4 बार, तो गोलू कहती मम्मी मेरे को तो अभी देर लगेगी, तो वो चले गए अपने घर, क्योंकि उनकी गुड़िया भी बिल्कुल जैद जितनी है छोटी, तो 30 तारीख का उनका जन्मदिन है, तो वो ये चाहते थे कि भाई 30 तारीख को मेरी गुड़िया का जन्मदिन है 30 अप्रैल का, तो मैं इन्वाइट अपने सामने कर दूँ, फिर भी उन्होंने फ़ोन पर इन्वाइट कर दिया कि आप जन्मदिन पर ज़रूर आना, तो जाते जाते मुझे भी ये देखो एक ही कोट सेट है, बहुत प्यारा ये कोट सेट है, देखो कितना सुंदर है, और ये बेल्ट है, ऐसे बेल्ट है, इनकी खुला भी हो तो आराम से उसको, कलर भी अच्छा, हाँ कलर बहुत अच्छा है, कहते बहुत अच्छा है ये वाला, तो मुझसे अभी फोन करके पूछ रहे थे आपको आ गए साइज में, साइज तो आएंगे, एक ये देखे गए हैं, एक ये मैंने गाजरी कलर का इनसे मंगवाया था, अच्छा ये बड़ा प्यारा, हाँ ये एम्ब्रॉयडरी वाला अच्छा, एम्ब्रॉयडरी वाला अच्छी, तो ये साथ में इनकी ये पैंट है, और बिल्कुल गोलू और पायल जैसा ही मेरा नाइट सूट है, सेम प्रिंट कितना सुंदर है, प्रिंट अच्छा है ना, सुंदर है ना प्रिंट, तो ये देखे गए मुझे,
एक मेरे लिए तो कह रहे खुला डुल्ला है, देखो गर्मी में दिक्कत नहीं। और चीना को ये देखो भाई, चीना का अलग प्रिंट है, गोलू पायल का तो एजिक्स है और चीना और मेरा अलग है। चीना का मीडियम है ना, तो मेरा एक्सेल है, एक्सेल है। तो ये देख के और साथ में ये दो हैम्पर, ये दो हल्दीराम के हैम्पर, इसमें मठिया वगैरह हैं, जैसे मठिया, ये गुजराती कचौड़ी, बिस्किट, दाल मठी, गोल मठी, काफी कुछ है। हाँ काफी कुछ है। तो ये देखे गए हैं, तो गोलू से मिलने आए। अच्छा एक बात है, अच्छा एक बात है, गोलू तो मिले उनको, लेकिन जैत के साथ वो अपनी पिक ले गए हैं और मैंने अपनी स्टोरी में लगा दी है। अगली बार जब गोलू आएगी तो मुझे जरूर बताना, मैंने कहा बिल्कुल आओगे तो आप मिल लेना गोलू से भी। देखो भाई जैद ने छुछू कर दी है, ये तो नानू के ऊपर, ये तो मुझे लगता है गोल्डी ने करा है छुछू। देख ले, ये काम भी बड़ा जरूरी था, पवित्र कर दिया, पवित्र कर दिया, पवित्र कर दिया। चलो वो भी खुश है, पैर चेंज करो भाई इसका। अरे इसका दिल लगा पड़ा हमारे घर, देखो सो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं सोऊंगा। बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। गाइज हमारे घर में तो बहुत मज़ा आ रहा है, जैद की शरारतें देख देख के सारे यहाँ 2, 2.5, 3 बजे तक हम लोग बैठे रहते हैं, उससे बातें करते रहते हैं। हमारी कोको रानी भी सो गई है, हमारी पूछी भी सो गई है, और ये गोलू से बातें कर रहे हैं वहाँ पर अंदर कमरे में। तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, ले आ ही गए हैं। मैं कहा गोलू के साथ बातें कर रहे हो आप? हाँ सो गए? हाँ तो बस मैं उधर जाती हूँ उसके पास, गोलू के पास जाके सोती हूँ। तो मैंने कहा चलो इसके आने से, मैं कहा कितनी रोनके लगी हुई है घर में, क्या 10 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है कहाँ? उसके बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा वो किसी बच्चे, हाँ नहीं वो कई बार कन्नू चीना वगैरह के हाथ में होते हैं ना, तो इधर उधर रख देते हैं। मेरे पर्स में डाल दो, इधर उधर मत रखो। मैं तो अपने कोई पैसा इधर उधर नहीं रखते, बच्चे कभी 10 का नोट कभी 5 का नोट, क्योंकि इनके जो 10, 5 के सिक्के होते हैं ना खड़कते रहते हैं उसमें, जेबों में खड़कते हैं, तो ये मेरे पर्स में डाल जाते, गिर दिया होगा इधर उधर हो गया होगा। तो गाइस रौनक हमारे घर में लगी हुई है, तो अभी भी कम से कम कितने बज गए? 2 बज गए। तो अभी ये बात करके गोलू से आए हैं, तो मैं जैद भी सो गया, तो मैंने यही कह रही हूँ कि मैं जाके वहां सोती हूँ गोलू के पास। एक नया चैनल गाइस स्टार्ट किया है, फैमिली चैनल शॉर्ट्स यूट्यूब पे। तो जो पहले हम इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स डालते थे, तो हमने कहा चलो अब यूट्यूब का एक नया चैनल स्टार्ट करते हैं, उस पर हम अपनी नई शॉर्ट्स डालते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, तो गाइस जरूर जाके अगर इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि उसमें आपको जैद की शैतानियाँ, मतलब हर तरह की गोलू, पायल, जैद, अयान, तूबा सब नज़र आने वाले हैं उस शॉर्ट्स चैनल पे। तो जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड।